बाबा को कुशाल चंद की चिंता। शिरडी से कुछ दूरी पर रहाता गांव था, जहां खुशाल चंद नाम का एक साहूकार रहता था। बाबा इससे भी तात्या जितना ही प्रेम किया करते थे। वह जाति से मारवाड़ी था। उसके चाचा चंद्रभान भी बाबा के साथ बड़ा प्रेम किया करते थे। उनसे मिलने के लिए बाबा कई बार खुद उनके गांव चले जाते थे। बाबा कभी कभी अकेले और कभी अपने भक्तों के साथ बैलगाड़ी में तो कभी तांगे पर बैठकर रहाता चले जाते। जैसे ही बाबा गांव की सीमा पर पहुंचते, रहाता ग्रामवासी उनका अभूतपूर्व स्वागत करते और बड़ी धूमधाम से उन्हें गांव के अंदर ले जाते। वहां से खुशाल चंद बाबा को घर ले आते, आसन पर बैठकर उत्तम भोजन कराते। फिर काफी समय तक वह बाबा से वार्तालाप करते। इस वार्तालाप के दौरान वहां उपस्थित सभी भक्तों को बहुत आनंद आता। बाद में बाबा सबको अपना आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते थे। खुशाल चंद भी अक्सर बाबा से मिलने के लिए शिरडी आता था। एक समय जब वह बहुत दिनों तक शिरडी नहीं आया, तो बाबा ने उसे बुलाने के लिए हरि सिंह दीक्षित को तांगे के साथ भेजा। जब दीक्षित ने उसे जानकारी दी कि बाबा ने उसे लाने के लिए तांगा भेजा है, तो यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह तुरंत शिरडी आ गया।